देखिए, आम आदमी पार्टी बौखला गई है। एक बिग नंबर लेने के बाद भी उनको अपने पार्षदों पर विश्वास नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के दो पार्षद दल बदल कराए, कहने के तो वो कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन मेरा मानना नहीं, दिल्ली का भी मानना है, देश मान गया है, ये कट्टर बेईमानों की पार्टी है। ये दल बदल को बढ़ावा देना चाहती है। इन्होंने जो दो पार्षद कांग्रेस के ज्वाइन कराए, तो मैंने एक छोटा सा रिएक्ट किया था कि जब आपके पास एक इतना बड़ा बिग नंबर है तो आपको दल बदल कराने की आवश्यकता क्या है। उसके बाद 11 तारीख को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक ट्वीट किया और कहा, योगेंद्र नाम का एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का हमारे पार्षदों से खरीद फरोख्त की बात कर रहा है। और उसके बाद उन्होंने एक पीसी की, जो उस पीसी में लगभग अब तक 1.5 से 2 लाख लोग उसको देख चुके हैं। और उन्होंने कहा कि योगेंद्र चंदोलिया ने एक रोनाक्षी शर्मा पार्षद है बलजीत नगर से, दो पार्षद और थे, कोई नावरिया है, एक कोई ज्योति है, उनको बिठाया था कि इनसे बीजेपी के लोग इनको तोड़ने के लिए बातचीत कर रहे हैं। संजय सिंह ने अपनी बात रखी और संजय सिंह ने कहा कि मैं पुलिस कमिश्नर से यह डिमांड करता हूं कि योगेंद्र चंदोलिया को गिरफ्तार किया जाए और उनको तिहाड़ जेल भेजा जाए। तो मैं उनकी ही बात का मैं समर्थन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, क्योंकि मैंने कोई उनसे बात नहीं की, मेरी किसी भी व्यक्ति से बात नहीं हुई और भारतीय जनता पार्टी ऐसी बातों में विश्वास भी नहीं रखती। लेकिन वह जानबूझ करके उनमें असंतोष है, उनके पार्षद जो है उनके पास रुकना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने पार्षदों को टिकट देते समय मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह ने लाखों लाखों रुपये लिया हुआ है और वो पार्षद जो है उनके साथ काम नहीं करना चाहते। इसलिए इस प्रकार का एक दिल्ली के अंदर माहौल क्रिएट हो कि भाई भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम कर रही है, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरे बारे में जो आरोप लगाए, तो मैं आज मधुर वर्मा जी जो एंटी करप्शन ब्यूरो के हेड हैं और ये मैं उनको कंप्लेंट देकर आया हूँ और मैंने उनको कहा है, इसमें ट्वीट की कॉपी भी है जो संजय सिंह ने ट्वीट किया है और 1.5 से 2 लाख लोगों ने, जिसमें मेरी बदनामी हुई है, मेरी पार्टी की बदनामी हुई है, बगैर किसी कारण की हुई है। अगर मैंने बातचीत की होती तो मैं मान सकता हूं कि मैं गुनाहगार हूं। मैंने जब कोई बातचीत भी नहीं की तो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का उनको अधिकार नहीं है। मैंने उनको कहा है, चिट्ठी लिखी है मैंने, इसमें मैंने सारे ट्वीट की कॉपी लगाई है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉपी लगाई है, हमने इनको बातचीत का जो उसका वीडियो है वो हमने इनको दिया है। और हमारा ये मानना है कि मैं उनकी ही बात का जो उन्होंने कहा कि FIR दर्ज होनी चाहिए, इसकी ACB जांच करे और जांच करने के बाद मैं अपना टेलीफोन मैं जमा कराना चाहता हूं ACP को और संजय सिंह और वो भी जो लोग कह रहे हैं कि हमारे से बातचीत हुई है, अपना फ़ोन दर्ज यहां पर जमा कराएं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आम आदमी पार्टी इस मामले में बेनकाब होगी, यह मेरा मानना है, क्योंकि मैंने ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी में मैंने लगभग 45 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ और यह आरोप शायद वो इसलिए लगाया है कि मैं गरीब क्षेत्र से आता हूँ, मैं गरीब का बच्चा हूँ, अनुसूचित जाति से मैं आता हूँ, तो मुझे बदनाम करने के लिए उन्होंने जो बदनाम किया है यह उनकी साजिश है, यह बेनकाब होनी चाहिए। सर, इसमें कांग्रेस की क्या भागीदारी है? कांग्रेस से भी कुछ पार्षदों का नाम आ रहा है। देखो, कांग्रेस के पार्षद कांग्रेस जाने, देखिए उनके दो पार्षद दल बदल करके चले गए और वो भी आपको मालूम है कि दल बदल जो होता है वो कैसे होता है, और उसके बाद वहाँ की जनता ने उनको वापस करवा दिया। तो इसलिए दल बदल जो है ये बहुत गलत है और ये दूसरों पर आरोप लगाते हैं। अब इनके पार्षद जो है जीते हुए हैं, वो सुरक्षित ही अपने आप को महसूस नहीं कर रहे, तो अगर कोई भागना चाहेगा तो उसको कौन रोकेगा। लेकिन खरीद फरोख्त का जहाँ तक मामला है, ये सारी बातें बेबुनियाद है। देखिए, मेरा सबूत जो मैं बात कह रहा हूँ, सबके सामने कह रहा हूँ, मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि उन्होंने मेरे पर आरोप लगाए हैं, अब सबूत देना उनका काम है, सबूत देना उनका काम है, मेरा काम नहीं है। मैं तो अपना मोबाइल फ़ोन जिससे मैं बात करता हूँ वो मैं जमा करा सकता हूँ, वो सबूत दें कि मैंने किससे बात की, किस नंबर से बात की, मेरी वो वीडियो ऑडियो दिखाएं। ये सारा का सारा वह बौखलाए हुए हैं और उनकी आपसी कलह है, आपस की उनकी लड़ाई है। मनीष सिसोदिया साहब अभी कुछ ही दिनों में अंदर जाने वाले हैं, एक अंदर व्यक्ति है, सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से आज मनीष सिसोदिया को राहत नहीं दी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से सत्येंद्र जैन को उन्होंने याचिका वापस ले ली, ये सारे के सारे फ्रॉड पार्टी है और ये सब लोग अंदर जाएंगे। ये मुझे ऐसा लगता है, जो मोनिका पंजी के मामले में तो वो जो पार्षद थी वो खुद उनके घर पर गई है, अब वो कैसे जुटला सकती है,
आजकल जो है सोशल मीडिया का जमाना है, सीसीटीवी कैमरे हैं, वो कैसे कहेगी। इसलिए ये सब बेबुनियाद बातें जानबूझ करके ये बीजेपी को हरासमेंट करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता के सामने केजरीवाल एक बहुत मासूम सा चेहरा बन के आ जाते हैं और लोग उनको सिंपैथी में आ जाते हैं। लोगों को लगेगा कि बीजेपी तो ऐसा घिनौना काम भी करती है, लेकिन जनता इनको धीरे धीरे जान चुकी है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश वहाँ कहते थे 150 सीटें मुझे आप दे रहे हो, उन्हें 5 सीटें आई, क्या है हिमाचल के अंदर 0, खाता नहीं खुला, क्योंकि ये दिल्ली की जनता इनसे परेशान हो चुकी है। लेकिन वो जिस प्रकार से झूठ बोलते हैं, तो एक आदमी 10 बार झूठ बोलता है तो लोगों को लगता है कि हो सकता है भाई ये सही कह रहा हो, लेकिन धीरे धीरे इनकी कलाई उतरने वाली है और केजरीवाल जी वापस कौशाम्बी भी जाने की तैयारी करें। अजय जी, आज दूसरी बार आप एसीबी के दफ्तर आ पहुंचे हैं और आम आदमी पार्टी का वही आरोप आप बार बार पे लगाया जा रहा है कि 30 पार्षदों के साथ बीजेपी मेयर बनाने की। देखिए, मुझे लगता है उनके सारे आरोप बेबुनियाद निकलते जा रहे हैं, सारे आरोप झूठे निकलते जा रहे हैं। पिछली बार जो संजय सिंह के साथ बैठकर पिंटू शर्मा, जो कि रोनाक्षी के पिता हैं, हमने उनके खिलाफ आज एसीबी में कंप्लेंट दायर करी है। हमारे सीनियर लीडर योगेंद्र चंदुलिया जी यहाँ पर आए, जिनके खिलाफ पिंटू शर्मा ने कहा था कि मुझे कॉल आया है और मुझसे कह रहे हैं कि आदित्य जी से बात कर लो और 10-10 करोड़ में एक एक पार्षद एडजस्ट कर लो। आज योगेंद्र चंदुलिया जी ने साफ कर दिया कि भाई मैं अपना फ़ोन आप जहां कहेंगे वहां रिकॉर्ड देने को तैयार हूं, जहां कहेंगे सबमिट करने को तैयार हूं। क्या आप सतेंद्र जैन, क्या आप संजय सिंह या पिंटू शर्मा या उनकी रोनाक्षी जो उनकी बेटी हैं जो पार्षद हैं, क्या वो अपना फ़ोन सबमिट करने को तैयार हैं? इस तरह के झूठे बेबुनियाद आरोप लगाना योगेंद्र चंदुलिया जैसे वरिष्ठ नेता पर, मुझे लगता है उनको डिफेम करने की ये पूरी साजिश है, जिसका पर्दाफाश करने के लिए आज हम लोग यहाँ आए थे और हम लोगों ने सारे एविडेंसेस के साथ जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है हमने यहाँ सबमिट कर दी है। चंदुलिया जी ने खुद एसीबी चीफ को कहा है कि मैं अपना फ़ोन सबमिट करने को तैयार हूँ, जिस फ़ोन को मैं इस्तेमाल करता हूं आप उस फोन को सबमिट लें और देखें कॉल रिकॉर्ड्स में, चेक करें मैंने कौन सी कॉल करी है, मैंने किससे बात करी है, और अगर दम है संजय सिंह में और पिंटू शर्मा में और रोनाक्षी में तो आए वो अपना फोन सबमिट करें और यहां दूध का दूध पानी का पानी करें। इससे पहले भी जब आप एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिस आए थे तो उस समय पर क्या कहा गया था एसीपी की तरफ से कि फिर एक बार आने की जरूरत? देखिए, शिखा गर्ग जो है, जो उनकी आम आदमी पार्टी के एजेंट है, जो कि सांसद प्रतिनिधि है सुशील गुप्ता की, वो सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्डेड है, हमने रिकॉर्डेड इनके पास सबमिट कर दी है और यहां से उनको समन जा चुका है। मुझे लगता है जल्दी ही उन पर न्यायिक कार्रवाई होगी और वो भी आपके सामने आ जाएगा। एसीबी चीफ ने हमें श्योर किया कि अगर इस तरह की कोई भी गतिविधि पाई गई है तो एसीबी उस पर तुरंत एक्शन लेगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी हार गई है एमसीडी में, इसलिए बौखलाहट है कि बार बार पे ऐसी। अरे साहब, आप तो जीत गए हो ना, आपके पास तो 134 नंबर है ना, तो फिर आप क्यों बौखलाए हुए हो? आपके एजेंट क्यों हमारे पार्षदों के घर आ रहे हैं? आप क्यों फंड के बदले एक्स्ट्रा फंड ऑफर करने की कोशिश कर रहे हो? और मैं छुपे हुए की क्या बात करूं, जब उनके दुर्गेश पाठक पीसी करते हैं, जब वो कांग्रेस वालों को तोड़ के लाने की कोशिश कर रहे थे, वो खुद बोलते हैं कि हमारे साथ जो पार्षद आएगा हम उसको एक्स्ट्रा फंड दे देंगे। जब दुर्गेश पाठक जैसा नेता उनका खुले में कह रहा है कि भैया मैं रिश्वत देने को तैयार हूं, मैं आपके एक्स्ट्रा काम करने को तैयार हूं, एक्स्ट्रा फंड देने को तैयार हूं, तो मुझे लगता है फिर तो पूरी पलटन, पूरी गैंग एक ही है। फिर तो जो उनके एजेंट जाके मिल रहे हैं वो बिल्कुल सही मिल रहे हैं, वो दुर्गेश पाठक की शह पर मिल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी की शह पर मिल रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, उनके पास 134 का आंकड़ा है। आप अपने पार्षद संभाले साहब, अपना काम करें आप। अब दिल्ली के लंदन वाली सड़कें हम जल्दी पूछने वाले हैं आपसे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ज़्यादा सीटें आने के बावजूद भी बीजेपी से इतना डर क्यों? देखिए, ये डर तो उन्हें जाना है, अगर कोई डरना चाहता तो डरे, अगर कोई खौफ के साने साए में जीना चाहता तो जिए, लेकिन वो तो कहते थे हम तो साहसी हैं, हम तो बहादुर हैं जी, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास 134 नंबर है और डरते तो मुझे लगता नहीं वो कानून से भी नहीं डरते। जब सत्येंद्र जैन जेल में है और वो मंत्री बना बैठा है तो किसी से नहीं डरते, ये तो वो विक्टिम गार्ड खेलते रहते हैं। अभी 2-4 दिन में फिर एक दिन केजरीवाल जी आ जाएंगे, वो नीली शर्ट पहन के मासूम सी एक्टिंग करने, देखिए जी ये तो हमारी वो पार्षद नहीं बनने दे रहे, ये नहीं बनने दे रहे, वो नहीं बनने दे रहे। मुझे लगता है ये सब विक्टिम गार्ड के तरीके हैं, एट द एंड ऑफ द डे उन्हें कोई काम नहीं करना है, इसके लिए वो इस तरह का चाल चलन दिखा रहे हैं, इस तरह का चरित्र दिखा रहे हैं। और प्योर प्योर झूठ बोला गया है, योगेंद्र चंदुलिया जी पर जो आरोप लगे हैं वो बिल्कुल निराधार है और हम चाहते हैं कि आप उनके सबूत लेकर के एसीबी के ऑफिस पहुंचे। अगर आपके पास कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग है तो लेकर के पहुंचे। और लेकिन हमें पता है वो संजय सिंह जिनके साथ बैठे थे उन पर ऑलरेडी आरोप लगते रहे हैं, वो खुद बहुत ही डेंटेड नेता है, तो मुझे लगता है ये सारी साजिश सिर्फ हमारी पार्टी को और हमारे नेताओं को बदनाम करने की। आदेश गुप्ता को लेकर भी एक सवाल उठाया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो फॉर्मर मेयर हो चुके हैं, उनको लेकर भी कहा गया था खरीद फरोख्त काम जो है वो आदेश गुप्ता कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहें? मुझे लगता है ये तो दिन भर बैठ के वो बातें करते रहते हैं, गॉसिप क्वीन बने हुए हैं कि इसका सुना, हियर से सुना, उन्होंने तो ये भी सुना था कि आईबी ने मुझे बताया है कि सरकार बन रही है, वो भी थिन मार्जिन से, वो थिन मार्जिन आपने देखा गुजरात में थिन मार्जिन कैसा निकला है, तो ये सब तो उनकी मनगढ़ंत कहानियां है, इसमें मुझे लगता है कोई तथ्य वाली कोई बात नहीं। आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, ये दूसरी बार का चक्कर है आम आदमी पार्टी को लेकर जिस तरीके से आज बीजेपी का जो प्रतिनिधि मंडल है आज एसीबी के दफ्तर पहुंचा है, देखना अहम रहेगा
के इस पूरे मामले में भी कार्यवाही कब तक शुरू होगी, क्योंकि इससे पहले भी ये जो मामला सामने आया था मोनिका पंत का, उसको लेकर भी इसी तरीके के आरोप लगाए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को तोड़ने का काम आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, जिसको लेकर एक तरफ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार दिल्ली में MCD चुनावों के बाद देखी जा रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी उनके पार्षदों को तोड़ने का प्रयास कर रही है, तो वहीं बीजेपी का भी यही कहना है कि आम आदमी पार्टी 134 के आंकड़े के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर किस तरीके से बातें कर रही है। चलिए कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर योगेंद्र चंदोलिया जी मौजूद हैं, जिन्होंने अपने आप ये बताया भी है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है, और अगर इसी पूरे मामले को लेकर बार बार पे आरोप भी लगाए जा रहे हैं तो आम आदमी पार्टी को चैलेंज भी किया गया है योगेंद्र चांदोलिया की तरफ से। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी अगर इतना ज़्यादा आरोप लगा रही है तो वो भी सबूत लेकर ACB के दफ्तर ही पहुँचे, जिस तरीके से हम ACB के दफ्तर आए हैं। देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले पर अब आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन प्रतिनिधिमंडल ACB दफ्तर पहुँचा था तो संजय सिंह की तरफ से आरोप लगाए गए थे, और आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि आदेश गुप्ता के साथ साथ BJP जो है वो खुलेआम पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रही है। कब दिल्ली में मेयर बनेगा और कब दिल्ली में मेयर चुने जाएंगे, क्योंकि उससे पहले तो दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई नजर आ रही हैं।